लॉकडाउन की इस परिस्थिति में लाखों की तादाद में बिहार के मजदूर, हजारों छात्र, हजारों पर्यटक बिहार के देश के विभिन्न प्रदेशों में फंस गए थे। विपक्ष होने के नाते हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में इस मांग को पुरजोर तरीके से उठा रही थी कि बिहार की सरकार को संवेदनशील होना पड़ेगा, उन छात्रों की मदद करनी पड़ेगी, उन मजदूरों की मदद करनी पड़ेगी, उनकी वापसी का प्रबंध करना पड़ेगा। हाल के दिनों में हमने देखा कि कैसे कोटा से अन्य राज्यों की सरकारों ने वहां समन्वय स्थापित करके अपने छात्रों को वापस बुला लिया। हम लगातार इतने दिनों से मांग करते रहे मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी की संवेदना जरा भी नहीं जागी। हमने उपवास कार्यक्रम भी किए, इतना दबाव दिया मुख्यमंत्री जी पर, विपक्ष के पड़ते हुए चौतरफे दबाव के बाद मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया, बात किया, प्रधानमंत्री जी से, देश के गृह मंत्री से हम लोग भी लगातार आग्रह कर रहे थे कि कृपया हस्तक्षेप करके मुख्यमंत्री जी का हट तुड़वाइए। खैर, इन सब के बावजूद आज यह फैसला हुआ है, लॉकडाउन की गाइडलाइंस में परिवर्तन हुआ है, यह निर्णय हुआ है कि जो भी मजदूर, छात्र या कोई भी पर्यटक देश के किसी राज्य में फंसे हुए हैं, उन्हें उनकी वापसी का रास्ता अब कहीं ना कहीं साफ होता दिख रहा है। अब देश के राज्य आपस में समन्वय स्थापित करके उन लोगों को वापस बुला लेंगे। यह हमारे लिए अच्छी बात है और खुशी की बात है। हम आग्रह करना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से जल्द उन मजदूरों की, उन छात्रों की, फंसे हुए किसी भी पर्यटक या किसी भी बिहारी की वापसी का इंतजाम करवाइए मुख्यमंत्री जी। उनकी वापसी में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए, जो भी बिहार की सीमा में प्रवेश करता हो उसकी समुचित जांच की जाए, ताकि बिहार में जो संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है वह संक्रमण बढ़े ना। उनका वापस आना भी जरूरी है, उनका सुरक्षित रहना भी जरूरी है, और साथ साथ यह भी जरूरी है कि बिहार में कोरोना जिस तरह से पांव पसार रहा है उसकी स्पीड को, उसकी गति को रोका जाए। इसलिए मेरा आग्रह है रालोसपा की तरफ से मुख्यमंत्री जी से जल्द, अब जब रास्ता साफ हो ही चुका है, उनकी वापसी का इंतजाम करवाइए।